guys, get ready for the taste. गाइस व्हाट्सएप कैसे हैं आप, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। तो गाइस आज हम फिर हाजिर हो चुके हैं आपके पास एक और नए फूड ब्लॉग के साथ, और आई होप ये फूड ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक काफ़ी अच्छा कैफ़े। ये है गाइस सेक्टर 17 कैफ़े। ये टीनेजर्स और कॉलेज गाइज और एक फैमिली के लिए भी काफ़ी अच्छा कैफ़े है। और ये यहाँ पे एक नई चौपाटी ओपन हुई है गाइस, और ये कलेक्टेड के पास में ही है, पेट्रोल पम्प के जस्ट बगल में, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ भी हैं, पर हम आज एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए गाइस सेक्टर 17। चलिए गाइस अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। गाइस कुछ इस प्रकार का कैफ़े, यू कैन सी नाइस, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है और काफ़ी अच्छा कैफ़े है ये, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं आप, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, एक अच्छा गेट टुगेदर और एक अच्छी एक रिलैक्सेबल जगह है ये, और आप यहाँ आके फूड का टेस्ट आराम से ले सकते हैं। हमारा फूड आ चुका है, चलिए मैं आपको। तो गाइस कुछ इस प्रकार के सर्विंग है, और ये हमारी चाप आई है, आज हमने चाप ऑर्डर करी है गाइस, और ये है पंजाबी स्पेशल चाप और स्पाइसी ऑप्शनल है, तो हमने सिर्फ स्पाइसी करी है। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है और काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन भी है यहाँ पर, यू कैन सी दिस गाइस। ये हमारी चाप हुई और ऑनियंस, लेमन और ये चटनी, गाइस एक्स्ट्रा में भी चटनी है, यू कैन सी दिस गाइस। काफ़ी अच्छा जो है ये प्रेजेंटेशन किया गया और काफ़ी अच्छी लग भी रही है, और अगर खाने के साथ व्यू अच्छा हो और एक अच्छी कुशनिंग, अच्छी डेकोरेशन हो, तो खाने के टेस्ट भी बढ़ जाता है और फिर खाने में मज़ा भी आता है गाइस। तो चलिए मैं आपको अब चाप टेस्ट करके दिखाता हूँ, पहले मैं सर्व कर लूँ। यू कैन सी दिस गाइस, दिस इज़ द चाप, पंजाबी स्पेशल मलाई चाप, ऑनियन चटनी, फ्राइज आप देख सकते हैं। हमारी चाप ये रही, और काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में गाइस, और ये अच्छी कुक्ड भी है। क्या काफ़ी जगह ऐसा होता है कि चाप है ना अनकुक्ड सी रहती, थोड़ा कच्चा सा फ्लेवर आता है, पर यू कैन सी दिस। तो चलिए मैं आपको चाप टेस्ट करके बताता हूँ। थोड़ी सी चाप, चटनी, और ये हमारी ऑनियंस, और फ्लेवर के लिए लेमन। गाइस गेट रेडी फॉर द टेस्ट। गाइस आउटस्टैंडिंग, टोटली किलिंग, ओह माय गॉड गाइस, तो प्यारा टेस्ट है इसका, और जो फ्लेवर्स हैं और जो स्पेशलनेस है यहाँ की, हमने ऑर्डर करी है स्पेशल मलाई चाप, और काफ़ी टेस्टी, काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा है इसका गाइस, आउटस्टैंडिंग चाप इज ऑसम, टेस्ट वाज फैंटास्टिक। सेक्टर 17 में इस टाइप का टेस्ट काफ़ी अच्छी बात है ये गाइस, और ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि इस टाइप ये जो कलेक्टेड की तरफ था, यहाँ पे काफ़ी टाइम से कुछ फूड का अच्छा अरेंजमेंट, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पे ये चौपाटी बनी, और यहाँ पे सेक्टर 17 है, और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। मैं सबसे कहूँगा आप यहाँ आओ, और ये टेस्टी टेस्टी चाप, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी अवेलेबल है, तो उसका फोटो मैं लास्ट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। गाइस ये मलाई चाप की कॉस्टिंग 150 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ के हिसाब से टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, और जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और गाइस आउटस्टैंडिंग। मैं तो आपसे कहूँगा आप यहाँ आओ एक बार चेकआउट करो। गाइस यहाँ पे सेक्टर 17 पे आने के लिए आपको आना पड़ेगा कलेक्टेड के अभी पेट्रोल पम्प, उसके जस्ट बगल में चौपाटी सी खुल गई है एक, और वहाँ पे कुन्ने में ही सेक्टर 17 है, और काफ़ी अच्छा लोकेशन, यू कैन सी दिस, बहुत ही प्यारा व्यू है। और गाइस फूड का मज़ा तभी आता है जब लोकेशन अच्छी हो, और लोकेशन अगर इस टाइप की हो तो आप सोच सकते हैं काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट होगा। गाइस इतनी टेस्टी और इतनी प्यारी चाप देख के अब मुझसे तो कंट्रोल हो नहीं रहा, और आई नो कि आपसे भी नहीं हो रहा होगा, तो चलिए मैं इसको फिनिश करके मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस
अगर फूड वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, इससे हमें पता चलता है कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। और आपको जो डिमांड हो जिस फूड की आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो हम आपके लिए वो बनाएंगे। चलिए गाइस, इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।